अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट बबलू लाहौरी और लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और गर्मा गर्म मिस्ट्री बॉक्स। एंड दिस टाइम दिस बॉक्स इज सेंड बाय lootech.com, पाकिस्तानी ई कॉमर्स की वेबसाइट है। डिफरेंट एक्सेसरीज वगैरह को सेल करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। फ्लैट 21% ऑफ चल रहा है, न्यू ईयर की सेल है, 7 जनवरी तक चलेगी। तो अगर कोई एक्सेसरीज वगैरह को बाय करना है तो एक बार lootech को जरूर विजिट करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और देखते हैं कि lootech ने हमें इस बार बॉक्स के अंदर कौन सी गर्मा गर्म एक्सेसरीज भर के भेजी हैं। तो बॉक्स को कर लेते हैं यहाँ से जल्दी से ओपन और देखते हैं जी हमें कौन कौन सी जो है ना प्रोडक्ट भेजी हैं lootech की तरफ से। अब तो सबसे पहली जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये है सोडो वायरलेस हेडफोन्स। ड्यूल मोड है, ब्लूटूथ के जरिए भी यूज़ कर सकते हैं, वाइड कनेक्शन के जरिए जो ऑक्स केबल है ना उसके थ्रू भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इन द बॉक्स आपको दिखा दूँ, सबसे पहले तो ये तो एक तो हेडफोन आ जाते हैं इस बॉक्स के अंदर, और जो बिल्ड है थोड़ी बेटर क्वालिटी की लग रही है। और उसके अलावा अगर देखा जाए चार्जिंग की वायर है और साथ में एक यूज़र मैनुअल है और डब्बे के अंदर कुछ नहीं है। अब दोस्तों ये जो हेडफोन्स हैं सोडो के, ये आप ड्यूल मोड मैंने जैसे आपको बताया वाइड के थ्रू भी अगर यूज़ करना चाहें ना, और अगर हम गेमिंग करते हैं तो वायर के थ्रू इसको यूज़ करेंगे तो लेटेंसी नहीं आपको नजर आएगी। जाहिर है वायरलेस के ऊपर तो लेटेंसी आती है। अगर अग्रेसिवली म्यूजिक सुनते हैं तो साउंड क्वालिटी अच्छी निकल के आती है इसकी, और जो प्लेबैक टाइम है वो कुछ 4 से 5 घंटे तक है अगर आप अग्रेसिवली म्यूजिक सुनते हैं। उसके अलावा कंफर्ट लेवल अच्छा है जी इसका, और जो यूज किया मैं आपको वो फीडबैक दे रहा हूं। और बैटरी चार्ज टाइम 1.5 से 2 घंटे इसको चार्जिंग के ऊपर लग जाते हैं। और उसके अलावा यहां पर आपको ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी है इसके अंदर, और यहां पर आपको ना 3 डिफरेंट मोड मिलते हैं पावर बटन में। एक है FM का मोड, दूसरा है ब्लूटूथ का मोड, तीसरा है SD कार्ड आप इसके अंदर यूज करेंगे ना उसके थ्रू भी कर सकते हैं। बिल्ट इन माइक्रोफोन है इसके अंदर, तो कॉलिंग के ऊपर यूज करेंगे आप जो है ना एक अच्छा कंफर्ट लेवल रहता है, बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं लगे मुझे। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये देखें ये फ्लेक्सिबल, ये ऊपर नीचे जहां पे मर्जी एडजस्ट कर लें इसको। और प्राइस इसकी 2400 रुपया जो ओरिजिनल प्राइस है, अभी बिकॉज न्यू ईयर सेल चल रही है 21% फ्लैट ऑफ है, तो ये आपको मिलेंगे 1896 रुपए के। ये उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है प्राइसिंग, अगर इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और दूसरी प्रोडक्ट अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये भी हमारे पास कोई भारी सी प्रोडक्ट है, और ये है दोस्तों स्मार्ट यूनिवर्सल पावर बैंक, और ये है जी 10,000 mAh का, और वायरलेस चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है साथ में, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और अगर इन द बॉक्स आपको दिखा दूँ तो ये एक पावर बैंक ही मिलता है, और इसके अंदर इसकी कोई चार्जिंग वायर भी नहीं है। जाहिर है चार्जिंग वायर तो पड़ी होती है हर एक के पास। अब ये जो एलीट पावर बैंक है ना, ये 10,000 mAh का है, और इंटरेस्टिंग इसके अंदर जो चीज़ मुझे लगी वो इसका वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट होना है। मैंने अपनी डिवाइस को इसके ऊपर वायरलेस चार्ज करके देखा, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था। और दूसरा जो इसका चार्जिंग आउटपुट है वो है इसका केबल के थ्रू, यानी कि जो टाइप ए कनेक्टर है ना इसके थ्रू ले सकते हैं। अब इस पावर बैंक को खुद चार्ज करना हो, इसका जो इनपुट है ये 2 हैं, एक तो माइक्रो यूएसबी है, एक टाइप सी है। ओवरऑल जो इसकी है ना फिनिश वो मैट फिनिश के अंदर आता है, 257 ग्राम के अराउंड वेट है। तो आजकल तो आपको पता है फोन ही आ रहे हैं इतने साइज के, आप इसको भी एक पाव वाला वट्टा कह सकते हैं। तो काफ़ी एक हैंडी प्रोडक्ट है अगर आप कहीं पे आउटडोर्स के अंदर जाते हैं, कहीं पे सैर व तफरी के लिए या कहीं पे भी, तो इसको अगर आप कैरी करते हैं ना तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है आपके लिए। और क्वालिटी इसकी जो मैंने टेस्ट की है अच्छी निकल के आ रही थी। फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता, 10 वाट की आउटपुट को ये सपोर्ट करता है, तो अच्छे से काम चल जाता है आपका, और जहाँ पे कोई मसले मसाइल आपको देखने को नहीं मिलते। तो अगर आप इस इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगली प्रोडक्ट देखते हैं जी, lootech ने जो हमें भेजी है वो है एक हैंड फ्री स्कल कैंडी सुप्रीम साउंड चॉप्स। मतलब यार परेशान नहीं होना, हैंड फ्री है, इसके ऊपर लिखा जाहिर है जो लिखा आपको बताना है। और अगर मैं इन द बॉक्स दिखा दूं तो ये आपको हैंड फ्री ही देखने को मिलती हैं। अगर मैं यहाँ पे स्कल कैंडी चॉप्स की बात करूँ, मेरा मतलब है अगर हैंड फ्री की बात करूँ तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना ये दोनों ईयर पीस की ये मेटल के अंदर है, और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी लगी। और इन ईयर जो फिटिंग है इसकी वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। वायर की क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वायर है इसकी। और अगर मैं यहाँ पे साउंड की क्वालिटी की बात करूँ तो इसको मैंने यूज़ किया, सुना, और क्लैरिटी है काफ़ी साउंड के अंदर, और अच्छा साउंड निकल के आता है इसका। और अगर मैं बेस क्वालिटी का आपको बताऊं तो काइंड ऑफ डिसेंट निकल के आती है, लेकिन कहने का मतलब बहुत ज्यादा हैवी बेस नहीं है, और मैं एक ऐसा बेबी हूं मुझे इतनी ज्यादा बेस पसंद नहीं आती, तो ठीक है मेरे हिसाब से जबरदस्त क्वालिटी यहां पे साउंड की मैं आपको कह सकता हूं। और ये डायरेक्टली कंपीट करती है जो शाओमी की मी पिस्टन हैंड फ्रीज आती है ना 750-800 रुपए की प्राइस के अंदर, उसको इनकी जो प्राइस है वो 650 रुपीज है, और ये 21% अगर डिस्काउंट को लेस कर ले तो 514 रुपए आपको इसकी प्राइस अभी के लिए मिलेगी ये न्यू ईयर सेल के अंदर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एक क्वालिटी की हैंड फ्री बाय करने के लिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली प्रोडक्ट यहां पे देखें बॉक्स के अंदर, तो ये क्या है जी, ये छोटा सा बॉक्स है, ये है जी सेल्फी लाइट स्टार वाली। मतलब यार कैसी कैसी प्रोडक्ट आ गई हैं, अगर यहां पे इसका इन द बॉक्स देखा जाए तो आपको ये मिल जाता है जी स्टार सेल्फी वाला,
और अगर इसके मैं स्पेसिफिकेशंस आपको बताऊं तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट देखने को मिलता है, मतलब ये 5G को सपोर्ट करती है भाई लाइट। और कैसे इसकी सेल्फी होगी, मेरे ख्याल से ये लगेगी फ़ोन के ऊपर इस तरह लगेगी। और यहाँ पे आपको जो है ना ये देखें क्या शशके हैं यार इसके वैसे। ओ जी नंबर 2 पॉइंट, और नंबर 3 इसे ओ बंद हो गई। मैंने कहा आगे और जाएगा काम जो है ना, हो सकता है मल्टी लाइट्स के अंदर आके जो ना थोड़ा सा करके। अब इसके अंदर अगर कोई सेल्फी वगैरह क्लिक करनी हो, मेरे ख्याल से ऐसे करके ना जहाँ पे थोड़ी लो लाइट वगैरह का सीन हो तो वहाँ पे आपकी सेल्फीज़ वगैरह को इनहेंस कर सकती है। तो है छोटा सा स्टार है, काम इसके अच्छे आएंगे बिकॉज सेल्फी आपकी बढ़िया आ सकती है इसके अंदर। तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर कोई भाई इंटरेस्टेड हो ये अपनी सेल्फी को इम्प्रूव करने के चक्कर में तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगली प्रोडक्ट यहाँ पे देखते हैं बॉक्स के अंदर, तो ये है जी, ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लग रही है और ये है स्मार्ट वॉच T500। और अगर मैं इन द बॉक्स आपको दिखा दूँ तो वॉच मिलती है, वॉच की जो बॉडी है वो मिल जाती है, उसके अलावा आपको स्ट्रैप मिलते हैं, ये ब्लू कलर के अंदर है। क्वालिटी कुछ बेहतर लग रही है मुझे, TPU इसकी ना बिल्ड है। और यहाँ पे चार्जिंग डॉक आपको मिल जाता है इसका, और जिसके ऊपर रख के चार्ज होगी, और एक यूज़र मैनुअल है, और डब्बे के अंदर कुछ नहीं है। अगर स्ट्रैप्स की फिटिंग यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको T500 वॉच के, तो कुछ इस तरह से इसकी जो है ना फिटिंग होगी, काफ़ी टाइट है, और इस तरह से आप इसकी जो स्ट्रैप्स हैं उनको फिट कर सकते हैं। अभी मैं इसके फीचर्स और इसकी बिल्ड के बारे में बता दूँ, तो जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी फाइन लगी मुझे। और फीचर्स का यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो इसके अंदर आपको जब आप इसको एप्लीकेशन के साथ मोबाइल में कनेक्ट करते हैं तो 12 के अराउंड इसके जो वॉच फेसेस हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जो टच है काफ़ी अच्छा और रिस्पॉन्सिव है। इवन फॉर द प्राइस पॉइंट अगर देखा जाए ना तो 3100 इसकी प्राइस है, वैसे सेल के ऊपर इसकी जो प्राइस है ना 2450 रुपये चल रही है इस टाइम पे lutech.com के ऊपर। और यहाँ पे अगर देखा जाए ब्लूटूथ कॉलिंग है, आपको जो है ना व्हाट्सएप कॉलिंग मिलती है, फेसबुक नोटिफिकेशन, SMS, और काफ़ी फीचर्स जो हेल्थ रिलेटेड भी मिल जाते हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, और उसके अलावा स्लीप मॉनिटरिंग वगैरह। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर है ज़ाहिर है ये डायग्नोसिस या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो नहीं है, जस्ट फॉर एन आइडिया ही आपको यहाँ पे इसका रीडिंग वगैरह होती है इसी पर्पस के लिए। और बाकी भी इसके अंदर जो ना काफ़ी फीचर्स अच्छे लगे, और ओवरऑल मुझे ये एक अपने प्राइस पॉइंट के ऊपर अच्छी स्मार्ट वॉच लगी। अब मैं आगे ना मेरे पास कुछ स्मार्ट वॉच है ना रियलमी की वॉच एस, उसका भी मैं रिव्यू करने वाला हूँ, तो स्मार्ट वॉचेस को रिव्यू करके ना एक बेटर आइडिया हो जाएगा इस मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अगली प्रोडक्ट यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आती है एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है लिनोवो लाइपॉड्स, मतलब ये TWS वायरलेस एयरबड्स हैं लिनोवो के। अगर मैं इसका इन द बॉक्स आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है, बॉक्स कंटेंट को देखें यहाँ पे तो एक एयरबड्स की डब्बी निकलती है, मतलब ये एयरबड्स हैं, और साथ में एक USB टाइप सी की केबल निकलती है, यूज़र मैनुअल है, और ये कुछ एक्स्ट्रा एयर कैप्स निकलते हैं डिफरेंट साइजेस के। तो ये बॉक्स की कहानी है। और अगर मैं आपके साथ लिनोवो लाइपॉड्स का शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ, मैंने इनको यूज़ करके देखा है, तो देखिए जो साउंड की क्वालिटी है ना वो प्राइस पॉइंट के ऊपर ठीक लगी मुझे, और बेस वगैरह भी जो थी, कहने का मतलब है ज़ाहिर है अब 12-13 हज़ार या 7-8 हज़ार रुपये के एयरबड्स होंगे तो उनकी जो जो साउंड है वो क्वालिटी प्रीमियम जाएगी। ये जो है इसकी प्राइस 3200 रुपया है, लेकिन अभी सेल के ऊपर ही आपको 2500 समथिंग के मिलेंगे। तो ये चीज़ें अपनी प्राइस को साउंड क्वालिटी के अंदर जस्टिफाई करते हैं ये चीज़। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, ये टच ऑपरेशनल है, मतलब आप जो है ना अगर कॉल आ रही है तो कॉल को टच के ऊपर सिंगल टैप के ऊपर रिसीव करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी, ये राइट वाले को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम अप चलेगा, डाउन हो जाएगा, ट्रैक आगे पीछे, ये सारा टच ऑपरेशनल है जैसे मोस्टली ईयरबड्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारे फंक्शन इसके अंदर हैं। थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वॉइस असिस्टेंट भी है इसके अंदर एक्टिवेट हो जाता, लेकिन उसके लिए आपको चाइनीज सीखनी पड़ेगी बिकॉज वो चाइनीज़ के अंदर है। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की कि इसके यूज़र मैनुअल में लिखा है कि इसकी जो केस है ना वो है 250 जो है ना मिली एम्पेयर की बैटरी है केस की भी, मतलब फिर केस को जो एयरबड्स आपने जो है ना बर्ड्स को अंदर लगाया इसके तो चार्ज करना चाहिए, लेकिन नहीं चार्ज कर रहे थे वो, तो डायरेक्टली केबल के थ्रू ही जो है ना वो डेटा केबल के थ्रू आप इसको लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे, फिर ही वो चार्ज करते हैं। तो ये चीज़ एक देखी मैंने सोचा मैं इसको हाईलाइट कर दूँ आपका। और लिनोवो के जो लाइपॉड्स हैं ये कोई चाइनीज़ वेरियंट मुझे लग रहा है बिकॉज इसके अंदर जो वॉइस असिस्टेंट है वो भी चाइनीज़ के अंदर ही है। और दूसरा ये है कि ये लाइट वेट है काफ़ी, अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए भी पहन के रखते हैं तो कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करने वाले, लेकिन ओवरऑल जो साउंड की क्वालिटी है ना वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे इसकी ठीक लगी। और अगर आप इसको देखने में इंटरेस्टेड हों बाय करने में तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर इस स्मार्ट वॉच को आपको पहन के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह की नज़र आती है, एंड आई मस्ट से कि ये एक डिसेंट सी लुक प्रोवाइड करती है। लेकिन अभी फॉर नाउ ये जो स्मार्ट वॉच है ना अपनी 2450 रुपये की प्राइस पॉइंट के ऊपर मुझे एक बेटर स्मार्ट वॉच लग रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद अगली प्रोडक्ट देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये है जी एक और स्मार्ट ब्रेसलेट।
और ये जो स्मार्ट ब्रेसलेट है ना, अगर मैं इसका दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरह का निकलता है, और ये डायरेक्ट यूएसबी वाली चार्जिंग है इसकी, जो है ना वो आपको डायरेक्ट चार्जर के अंदर प्लग कर सकते हैं, और ये एक यूज़र मैनुअल है, और इसको ये कम्प्लीटली टच स्क्रीन नहीं है, इसके नीचे वाली टच के ऊपर ना थोड़ा सा एक बटन है जिसके ऊपर आप फिंगर को स्वाइप करेंगे तो वहाँ पर आपको, कहने का मतलब है ना, उसका डिस्प्ले मूव करेगा राइट लेफ्ट के ऊपर। फीचर्स हैं इसके अंदर, लेकिन मैं इसको कनेक्ट कर रहा था मेरी एप्लीकेशन के अंदर, मेरे फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल किया लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रही थी समहाउ। बाकी इसके अंदर जो फीचर्स हैं, मैं रिकमेंड करूंगा, इसकी जो प्राइस है ना, वैसे इसकी प्राइस है 1600 रुपये, और ये आपको कहीं पे 1260-64 के ऊपर कहीं पे मिल रही है सेल के ऊपर। तो अगर आप एक स्मार्ट वॉच बाय करना चाहते हैं तो बेटर है थोड़ा और बजट मिला के आप ये जो T500 वॉच है इसकी तरफ चले जाएं, ये आपको कोई 2450 रुपये की मिल जाएगी। बहरहाल ये जो वॉच है, ज़ाहिर है मेरी कनेक्ट ही नहीं हुई, मैं इसको फर्दर जो है ना टेस्ट भी नहीं कर पाया, लेकिन एक दो चीज़ें अच्छी मैंने देखी कि पहन के इसकी जो फीलिंग है वो भी अच्छी आती है, और दूसरा जो है टाइम अच्छा दे देती है। बाकी जो फीचर्स हैं, जाहिर है वो अंदर मैंने साइड पर रखे, वो वैसे ही हार्ट रेट बताई जा रहा था। तो ये कुछ इस तरह सा इसका सीन है स्मार्ट ब्रेसलेट का। बेटर है कि आप T500 वॉच या इसी का जो अगला एक वेरिएंट आ रहा है T500 प्लस भी आ रहा है, तो ये चीज़ें देख लें, ये एक अच्छी वॉच हो सकती है T500 वाली। और बस ये थी यहाँ पे कहानी इस स्मार्ट ब्रेसलेट की। और अगली प्रोडक्ट की यहाँ पे बात करें तो ये हो गया भाई डब्बा खाली। तो दोस्तों यही कोई 7 प्रोडक्ट थी जो लूटेक ने हमें सेंड की, और मैंने आपको सारी दिखाई एक एक करके, और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स भी थी। तो अगर इन किसी प्रोडक्ट को आप बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो जो सेल चल रही है आप उसको अवेल कर सकते हैं। लिंक सारी प्रोडक्ट्स के आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं तक थी, एक गर्मा गर्म मिस्ट्री बॉक्स की कहानी, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लोहड़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।